हम लोग हैं आतंकवादी और इसी आतंकवादियों के सबसे बड़े ग्रंथ संविधान से ये देश चलता है। वो बाबा जी भूल गए कि उस रामलीला मैदान से सलवार और कमीज पहन के भागे थे कांग्रेस की सरकार में, जब वो कहते थे कि काला धन लेके आएंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकड़ा करेंगे। और आज आरएसएस के, बीजेपी के फेंके हुए टुकड़ों में पलने वाला वो रामदेव, ये रामदेव नहीं बोल रहा, उसके मुंह से ब्राह्मणवाद बोल रहा है। देखिए, आज हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आए थे। एक रामदेव व्यापारी है, आप लोग सब जानते हैं, बाबा बनने का ढोंग करता है, स्वदेशी का ढोंग करता है। उसने रामास्वामी पेरियार, ललित सिंह यादव, बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर साहब श्री कांशीराम और पूरी दुनिया में मानने वाले तथागत बुद्ध के अनुयायियों को, जो वैचारिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनको कहा कि ये लोग आतंकवादी हैं जो इस विचारधारा पर चलते हैं। तो उस पर हमने पूरे समाज को, पूरे देश के लोगों को एक बात कहना चाहते हैं कि ये देश संविधान से चलता है और बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो आज ये राम मंदिर का मसला भी हल नहीं हो पाता। हालांकि उसमें सेटिंग हुई है, उन लोगों ने इस्तेमाल किया है संविधान को, संविधान इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और रामदेव ने जो ये बात कही है कि वैचारिक आतंकवादी, हाँ हम लोग हैं वैचारिक आतंकवादी, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के पुत्र हैं, हम लोग अनुयायी हैं सम्राट अशोक के, हम लोग अनुयायी हैं तथागत गौतम बुद्ध के, तो हम लोग हैं आतंकवादी। और इसी आतंकवादियों के सबसे बड़े ग्रंथ संविधान से ये देश चलता है। वो बाबा जी भूल गए कि उस रामलीला मैदान से सलवार और कमीज पहन के भागे थे कांग्रेस की सरकार में, जब वो कहते थे कि काला धन लेके आएंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकड़ा करेंगे। और आज आरएसएस के, बीजेपी के फेंके हुए टुकड़ों में पलने वाला वो रामदेव, ये रामदेव नहीं बोल रहा, उसके मुंह से ब्राह्मणवाद बोल रहा है, मनुवाद बोल रहा है। और जो लोग हमारे से सीधे नहीं लड़ सकते, वो ओबीसी का जो ढोंग रचाते हैं, जो लोग मनुवादियों का काम करते हैं, उनके मुंह में अपनी बात डालने का काम करते हैं। आज ये जो है मनुवादी बोल रहा है, ये रामदेव यादव नहीं है, ये मनुवादी है और व्यापारी है। तो समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि जब ब्राह्मणवाद या मनुवाद हमारे से सीधे लड़ने की औकात नहीं रखता, तो ओबीसी समाज को, जाट बिरादरी को, ओबीसी को, यादव को, गुज्जर को, ठाकुर को, अहिर को, इनको सबको आगे करता ब्राह्मण और इनसे लड़वाता, देश में भाईचारा खराब करने के लिए काम करता है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर कंप्लेंट दी है रामदेव की। ये लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर हम लोग कोई बात बोल दें, दलित समुदाय के लोग, बहुजन समाज के लोग, तो ये दो मिनट में एक्शन लेते हैं। और इस आदमी ने इतना बड़ा बयान दिया है कि मानवता भी शर्मसार हो जाए। इसने बाबा साहब अम्बेडकर को आतंकवादी कहा है, इसने पेरियार को आतंकवादी कहा है, ललित सिंह यादव का आतंकवादी कहा, जितने भी लोग देश के संविधान में भरोसा करने वाले हैं और जो तथागत बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, बाबा साहब के, अंबेडकर की विचारों को मानने वाले लोग हैं, सबको आतंकवादी कहा। और हम लोग हैं आतंकवादी, अगर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पर चलना आतंकवाद है तो हम लोग हैं आतंकवादी, हमें डालो आप जेलों में, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे पूर्ण रूप से मरने के लिए और मारने के लिए तैयार बैठे हैं हम लोग, हम किसी भी तरीके से हार नहीं मानेंगे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा और इस लाला जी की दुकान बंद की जाएगी रामदेव की। इसको हम लोग बख्शने वाले नहीं है, ये जहां मिल गया इसका इलाज फिर हम लोग दूसरे तरीके से भी करना जानते हैं। दूसरा तरीका, दुकान बंद मतलब उनका सामान नहीं खरीदने की अपील करेंगे लोगों से? नहीं, सामान तो उनका कोई खरीदेगा ही नहीं। अब बहुजन समाज का व्यक्ति, अगर जिसने भी एक बार जीवन में बाबा साहब का नाम भी सुना होगा ना, लानत है उसकी जिंदगी पे अगर वो इसका सामान खरीदता है। और इसके सामान में तो अभी 400 टन कुछ चंदन भी मिला था ना, चंदन तस्कर है ये, चाइना जा रहा था चंदन इसका अवैध तरीके से, वो पकड़ा गया, इस पर जब भी FIR नहीं होती। कमाल का देश है, यहाँ पर किताबें रखने पर FIR हो जाती है बाबा साहब की, और ये चंदन का तस्कर है, ये लोग तस्करी करते हैं, जब भी FIR नहीं होती, जब भी कार्रवाई नहीं होती, अरेस्ट नहीं होता। नेताजी, क्या लग रहा है इसके पीछे किसी की साजिश है जो आप कह रहे थे कि हमसे नहीं जीत पाते हैं, कौन लोग उसके पीछे? देखिए, इसके पीछे सीधा सीधा जो लोगों ने काम किया है, बामसेप ने जो काम किया, वैचारिक रूप से लोग तैयार किए हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है, DS4 बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांशीराम ने बनाई, उसका जो आंदोलन है, और जितने तमाम छोटे छोटे बहुजन संगठन हैं,
चाहे वो गांव में चलते हैं, चाहे शहर में चलते हैं, चाहे मेट्रो सिटी में चलते हैं, ये विचारधारा जो है इससे ब्राह्मणवाद डगमगाया हुआ है, मनुवाद डगमगाया हुआ है। आज का युवा शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है। आज का युवा मंदिर और मस्जिद नहीं चाहता, वो चाहता है कि इस देश में काबिलियत पैदा हो। हम लोग जो है विश्वगुरु जब थे, जब सम्राट अशोक का ये देश होता था, जम्बू द्वीप होता था, इनसे तो ये सम्राट अशोक का देश भी नहीं संभाला गया। कितने देश टूट के चले गए, कितने टुकड़े हो गए। आज नाकाबिल लोगों के हाथ में लोग देश है, और ये लोग चाहते हैं कि इस देश में एजुकेशन व्यवस्था का भट्ठा बैठ जाए और मूर्खों की एक फौज खड़ी हो जाए और वो मंदिरों के बाहर लाइन लगा खड़ी हो जाए और एक मूर्ख ब्राह्मण के पैर छुए और एक पत्थर की मूर्ति से मांगे कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो और फलाना दे दो। अरे जिसको न्याय हमारे बाबा साहब के संविधान ने दिया, वो तुम्हें क्या देगा? अगर मानना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानो, तथागत बुद्ध के विचारों को मानो। और बाबा साहब अम्बेडकर तो इतनी बड़ी शक्ति है, दुनिया ने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, और ये दो पैसे का डेढ़ आदमी है ना, ये मूर्ख भांड रामदेव, ये कहता है वैचारिक आतंकवादी। कहे ना फिर अपने देश के जो प्रधानमंत्री आरएसएस के, वो कहे ना कि बाबा साहब अम्बेडकर आतंकवादी, कहे ना मोहन भागवत के आतंकवादी है। अरे इनसे क्यों कहलवा रहे हो? आप लोग वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है ओबीसी समाज, और वो चल किन पर है? अपने ही शूद्र भाइयों पे। तो ओबीसी समाज जो है ना, वो शूद्र समाज से ही है, इन्होंने हजारों टुकड़ों में हमें बांट दिया। आज समझने की जरूरत है सभी राजनीतिक पार्टियों को, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की पार्टियां हैं, उनको समझने की और एकजुट होने की जरूरत है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा खत्म होती है तो इस देश का एक एक बहुजन समाज का व्यक्ति गुलाम, और उनकी पीढ़ियां भी गुलाम दर गुलाम बनती जाएंगी। नेताजी कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि बाबा रामदेव ने ये बयान दिया, इससे पहले भी दिया है, और 2014 में उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जो दलितों के घर जाते हैं वो हनीमून मनाने जाते हैं। पहले उन्होंने माफी मांग ली कि आप भी माफी मांगते ही रह जाएंगे। अरे हम बनवाएंगे इनका हनीमून, तो एक बार रुक जाओ। इस देश में जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी इतनी बढ़ गई है। साहब कांशीराम कहते थे कि देश का जिस दिन दलित समझदार होगा, कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। आज कांग्रेस का कोई झंडा लगाने वाला नहीं है, और बीजेपी अपने कर्मों से खत्म हो जाएगी, और फिर जो है ना बहुजन समाज का समय आएगा, हम लोग इस देश के हुक्मरान बनेंगे। और हम लोगों को हुक्मरान बनने के रास्ते से जो रोकने की कोशिश हो रही है, वो यही प्रयास है।